हैं स्वराज एक्सप्रेस में हूँ आपके साथ विषय, और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर की बात कर रहे हैं जहाँ छत्तीसगढ़ कांग्रेस को दो महत्वपूर्ण बैठक आज होने वाली है। राजीव भवन में दोपहर 12 बजे से प्रदेश कार्य समिति की एक बैठक होगी और 1 बजे से प्रदेश पदाधिकारियों, मोर्चा संगठनों और विभागों के अध्यक्षों की बैठक होगी। दोनों बैठकों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम मौजूद रहेंगे। बैठकों में राज्य सरकार के 6 माह के कार्यकाल में हुई उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचाने की कार्य योजना पर चर्चा होगी। आगामी नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में भी हो सकती है बैठक में चर्चा। तो राजीव भवन में दोपहर 12 बजे के करीब भी बैठक होगी। प्रदेश पदाधिकारियों, मोर्चा संगोष्ठ की भी बैठक होगी। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो आज दिन भर बैठकों का दौर शुरू रहेगा छत्तीसगढ़ में। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद रहेंगे बैठक में। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हेमंत शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। हेमंत, जैसा कि आज बैठकों का दौर रहने वाला है छत्तीसगढ़ में, बैठकों में क्या खास रह सकता है और इन बैठकों में कौन कौन मौजूद रहने वाला है? हेमंत से संपर्क करने की हम दोबारा कोशिश करेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि आज छत्तीसगढ़ में बैठकों का दौर रहने वाला है। कांग्रेस की दो महत्वपूर्ण बैठकें होंगी। राजीव भवन में दोपहर 12 बजे होगी। प्रदेश पदाधिकारियों, मोर्चा संगठनों के साथ में ये बैठक होगी जिसमें भूपेश बघेल प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। हालांकि इन बैठकों में चर्चा क्या होने वाली है इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। इन दो विशेष बैठकों में क्या खास रह सकता है, इसे जानने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हेमंत शर्मा लाइव जुड़ गए। हेमंत, जैसा कि दो बैठकों का दौर छत्तीसगढ़ में आज रहने वाला है, ये बैठकें अपने आप में कितनी खास रह सकती हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की जो कॉमन बैठक आज की जा रही है, 12 बजे से प्रदेश पार्टी की बैठक और करीब 1 बजे से अलग अलग मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, विभागों के अध्यक्ष हैं, उनकी यहाँ पर बैठक होगी। इसके अलावा इस बैठक में जो प्रदेश पदाधिकारी हैं वो भी इसमें शामिल रहेंगे। निश्चित तौर पर इसमें अगर मुद्दों की बात की जाए तो जिस तरीके से 6 महीने का कार्यकाल कांग्रेस सरकार का रहा है और उन 6 महीने के कार्यकाल में कांग्रेस ने लागू किया है, चाहे वो नरवा गरवा गुरवा बारी की बात हो, अभी हाल ही में 30% जो जमीन के दाम है वो घटाए गए हैं, तो तमाम अनेक योजनाएं हैं, कर्ज माफी है, धान का बोनस है, तमाम जो मुद्दे हैं उसको घर घर तक पहुंचाने के लिए आज पूरा रोडमैप तैयार किया जाएगा। जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के, जो पदाधिकारी हैं, उनको एक लक्ष्य दिया जाएगा कि आप जो कांग्रेस सरकार की 6 महीने की योजनाएं हैं उनको घर घर तक पहुंचाने का काम करें, क्योंकि इस साल के अंत में नगरीय निकाय का चुनाव पूरे स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाता है बुसरा, तो इसलिए ये माना जा रहा है कि ये पूरा रोड मैप सिर्फ नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए तय किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं को सीधे तौर पर आज निर्देश दिया जाएगा कि आप सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाएं, तो ये तमाम कोशिशें आज कांग्रेस की होने वाली है। दोनों बैठकों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और जो पीसीसी अध्यक्ष हैं मोहन मरकाम, वो दोनों बैठकों में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अलग अलग जो दिग्गज नेता है, चाहे टी सिंधो की बात करूं, मोहम्मद अकबर की बात करूं, सत्यनारायण शर्मा, तमाम जो दिग्गज नेता है वो प्रदेश कार्यकारिणी के बैठक में शामिल होंगे, अपना सुझाव भी देंगे। तो ये पूरी कोशिश है कांग्रेस के कि जो योजनाओं को लागू किया गया है सरकार द्वारा, उस योजनाओं का लाभ लोगों को मिले, घर घर तक उन योजनाओं की जानकारी लोगों को हो, तो ये कवायद आज से कांग्रेस शुरू करने जा रही है, क्योंकि इस साल के अंत में नगरीय निकाय का चुनाव भी होना है। तो लोग, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से शिकस्त कांग्रेस को मिली है, तो उससे सबक लेना चाहती है कांग्रेस, और इसी को देखते हुए आज ये दो महत्वपूर्ण बैठकें होने जा रही है। जी हेमंत, जैसा कि आप कह रहे हैं कि दोनों बैठकें
क्या दोनों ही बैठकों में जो आगामी चुनाव है नगर निकाय उनको ही लेकर बातचीत होगी या दोनों बैठकों के अलग अलग मुद्दे रह सकते हैं? कांग्रेस सरकार का की जो योजना रही है तमाम योजनाओं को कांग्रेस ने लागू किया उनकी संख्या दर्जनों है, तो ऐसे योजना को जनता तक पहुंचाने का काम कांग्रेस करेगी। दोनों बैठकों में यह हिस्सा रहेगा कि स्थानीय चुनाव होना है उनके कारण चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लगा जाता है, तो अगर योजना अगर लोगों को नहीं होगी नहीं होगी उसका लाभ कांग्रेस नहीं मिल पाएगा। इसलिए कवायद स्थिति की ओर से भी जा रही है कि उन जिस प्रभाव को हमने लागू किया है कम से कम उन योजनाओं की जानकारी वहां तक पहुंचे, लोगों को जानकारी हो और उसका भारत में कांग्रेस मिले। जी चलिए हेमंत आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास वापस आएंगे।